हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं तो अच्छा हूँ। मैं दिवाक्षी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने कॉर्नर में आई हूँ। और आज का दिन है 2 तारीख और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, इस समय भी हमें अम्बाला स्टेशन पर और हम 6 बजे और हम पहुँच गए हैं 4 बजे। हमें 2 घंटे वेट करना है। तो मैं बच्चों को लेकर के यहाँ पर सीट पर बैठी हुई थी क्योंकि सीट खाली नहीं था और इसके पापा गए थे चीज़ें लेने के लिए। मुझे लेकर के आ गए हैं। फिर हमने 2 घंटा हमारा टाइम दे दिया था। फिर हम नीचे आए थे। हमारी ट्रेन आने वाली है और उसे पे चाय पी रहे थे। हमको तो चाय मांग रहे थे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके हमारी ट्रेन आधे घंटे लेट हो गई, फिर 1 घंटे लेट हो गई है। ऐसे ऐसे करके हमारी काफ़ी टाइम से 1 घंटे लेट हो गई थी हमारी ट्रेन। तो फ्रेंड्स, अभी ये हम बैठ गए हैं ट्रेन में। थी हमारी ट्रेन 6 बजे और आई है हमारी ट्रेन 7 बजे के पास। क्योंकि बैठ गए तो अंदर आती ऐसे ऐसे गर्मी सा हो रहा था सभी को। तो सब ने तो जैकेट वगैरह निकाल दिया था। इसके पापा ने भी निकाल दिया था। मैंने बोला बिट्टू को भी जैकेट निकालने के लिए क्योंकि उसको गर्मी हो रही थी बहुत सारी। तो मैंने इसको भी जैकेट निकाल दिया था। ऐसा दम घुट रहा था अंदर। तो फ्रेंड्स, का ठंड भी काफ़ी थी और ट्रेन भी काफ़ी लेट होती जा रही है हमारी। और ये देखिए, नीचे उतर गई थी बेबी, छोटे से बच्चे को देखी थी। ये है 10 बजे, हाँ 10 बजे के आसपास का। हम लोगों ने खाना वाला भी खा लिया था, बस बैठे हुए थे। तो ये देखिए, बॉल देख लिया था तो अपने सीट से उतर के बच्चे के पास गई थी। उसके बाद से तो इसने जो किया, तो आप आगे भी वीडियो में देखते रहना। आप जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे भी ब्लॉग में बने रहना। ज़्यादा क्योंकि मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है। और हमारी ट्रेन करते करते 3 घंटे दे दो, दे दो इस समय बेबी का बॉल दे दो। और ये बच्चे से कुछ की बात कर रही थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सामने बैठी हुई थी, इन्होंने इनका बॉल ले लिया था। इसकी वजह से अपने पापा को शिकायत लगा रही थी और रोने लगी हुई। तो फिर उन्होंने दिया उसको। और ये 10:30 बजे की ट्रेन पे हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया था। और इन्होंने तो पूरी रात भगदड़ मचा के रखा था। एकदम गद्दर मचा रखा था पूरे डिपार्टमेंट उसमें कंपार्टमेंट में। हमारे बोम्बू ना पूरे बच्चों से ही भरा हुआ था। हर एक सीट पर एक बच्चा जरूर था, पर उनमें से ज़्यादा पंचल ये कर रही थी, एक्टिव थी। इसको देख देख के बहुत से बच्चे भी एक्टिव हो गए, फिर इसके साथ खेलने लगे बहुत से सारे बच्चे। और इसकी वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब भी हो रहे थे। और ये है 1 बजे के पर सभी सो गए थे अपनी अपनी लाइट बंद करके, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। और मैं इसको लेके बार बार ऊपर जा रही थी, लेकिन ये मेरे पास रुक नहीं रही थी। वहाँ से सीधे छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी। पूरी रात इसने खेला है। और हमारे ट्रेन ना दिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी थी वैसे वैसे लेट होती जा रही थी। हम रात तो हमने जैसे तैसे अपनी काट ली, कुछ पता भी नहीं चला कैसे। इसने पूरी रात खेली है ट्रेन में। ऐसे ये बच्चा भी इसको इसे जगह बैठा हुआ था, फिर इसको आप ही दे रही थी। बच्चा गिर गया और वो रोने भी लगा था। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का केक है और मैं आपको यहाँ पर गुड मॉर्निंग बोल रही थी। और ये बिट्टू सोई हुई थी, ये जाकर करीबन 2 बजे के आसपास सोई हुई थी। और ये सुबह में 8 बजे अभी सोई हुई थी। देखिए, ये अंगड़ाई ले रही है। इसको बहुत गर्मी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसकी स्वेटर भी निकाल दिया था। मैंने जैकेट तो पहले निकाल दिया था, लेकिन स्वेटर भी निकाल दिया था। हम तो कुछ ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं ओढ़े थे। और ये इसके पापा आए उठाने के लिए। जब ये सोई रहती है ना तो इनको चैन नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय और हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है 5 घंटे। 5 घंटे लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। हमें पहुंचना था 2 बजे और इस समय बज रहे थे 11। हाँ, 11 बजे तक अभी लखनऊ भी नहीं पहुंची थी हमारी ट्रेन। और लखनऊ में पहुंचना था 6 बजे, लेकिन 11 बज चुका था। अभी कुछ देर में लखनऊ आने वाला है। सो लेंगे, 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 सो ल
मैं इसको इसलिए सुलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सो जाती ना, क्योंकि उठने के बाद फिर वो भगदड़ मचाती, फिर वो एक गदड़ मचाती पूरे उसमें बोगी में परेशान करती, इसलिए मैं सोच रही ये सो जाती सही है। लेकिन ये उठने के बाद फिर कहाँ सोने वाली है, फिर उसका यही काम फिर से शुरू हो गया था। अब यहाँ से उठ के देख रही थी बच्चों को। तो आप ही किधर थोड़ी ना बेटो। फ्रेंड्स मैं अभी इसको लेके आ गई हूँ नीचे सीट पे, और ये बाहर आप भी देखिए कितना धुंध पड़ा हुआ है। ये है 12 बजे की वीडियो, और देखिए बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा। कब धूप, कब सुबह हुई, कब दोपहर हुआ, कब शाम हो गया, हमें तो कुछ पता भी नहीं चला। जब हम टाइम देख रहे थे, जब भी हमें पता चल रहा था, और इसके पापा देख रहे थे मूवी, तो ये हेडफोन लगा रही थी कान में, और हमारी ट्रेन और फिर लेट पर लेट हो जा रही थी। पेट में चूहे भी कूद रहे थे, मुझे स्टेशन का खाने आने का मन नहीं करता कोई भी चीज़। इधर देखो, हेलो हेलो, तो फ्रेंड्स फिर से इसकी अब ड्यूटी शुरू हो गई है, जो इन्होंने रात में जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से फिर स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ भी को फ्रेंड्स, सब जितने भी बोगी में बैठे हुए थे पब्लिक थी, सब इसके फ़ैन हो गए थे, सब इसके साथ सेल्फी वीडियोस वगैरह बना रहे थे, सब इसको बहुत लाड भी कर रहे थे। यह हर किसी की सीट पे जा कर के हाँ हेलो भी बोल के आ रही थी, और सबसे चिज्जी भी लेके खा रही थी, लाला के मुझे दे रही थी लाला। और जब हम ट्रेन तो ऑलरेडी हमारी लेट हो चुकी थी करते करते, फिर हमें लगा कि हम 6 बजे उतर जाएँगे, लेकिन फिर पता चला कि 6 से 8 हो जाएंगे। फिर 8 से ये पता चला कि रात के 12 हो जाएंगे। रात के 12 करते करते हमने 1 बजे सब मिला करके हमारी ट्रेन 10 घंटे लेट हो गई थी सब। और ये पूरी बोगी में इतना, और ये तो फ्रेंड्स अब हमारा लखनऊ आ गया है। जी फ्रेंड्स हमारा लखनऊ आ गया था। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ खाया था लेकर के, चाय वगैरह पिया था वहीं से। और फिर देखिए अब थोड़ा सा मौसम कुछ क्लियर सा लग रहा है इधर आने के बाद। बॉल देख ली है वो, ले जाएगी। देखिए इसके पापा चाय पी रहे थे तो इनसे लेकर कूलर में भी चाय पी रही थी। कूलर की चाय फ्रेंड्स इसको पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे भी पसंद है। लेकिन रास्ते का कूलर और रास्ते का चाय तो मैं बिल्कुल ही नहीं पूरी खाने नहीं थी, और फिर इसके पापा ने पीया था। इनसे लेकर पी भी करने की कोशिश कर रही थी, उसकी वजह से खेलने लगी, इसी से खाना मुझे पसंद रहता है। रेडी भी कर रही थी अपने बाद ये सबके सीट पर जाकर सबको भाग ले रही थी, और सभी उस पर जल्दी हम करने लगे तो सब अपनी सीट से सब के सब लोग खुशहानी भी मिले थे सर को। और ये रात के समय हम अपने स्टेशन पर, और इसका रोशन मिला था।